वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, क्लास थर्ड सब्जेक्ट मैथ्स जो है ये आपका। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चैप्टर सिक्स से ये आपकी बुक पे मल्टीप्लिकेशन। बच्चों देखिए, आपके मैथमेटिकली कितने ऑपरेशन होते हैं? चार मैथमेटिकली ऑपरेशन होते हैं। पहला ऑपरेशन होता है आपके पास एडिशन, ये आपने पढ़ा हुआ है। दूसरा आपके पास होता है सब्ट्रैक्शन, ये भी आपने पढ़ा हुआ है। थर्ड वन आपका जो है मल्टीप्लिकेशन है, जो हम आज पढ़ेंगे। और चौथा आपका होता है डिवीजन, ये हम आगे पढ़ेंगे। ये आपने पढ़ लिए हैं, ये हम आज पढ़ेंगे और ये आगे वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन क्या चीज़ होती है, यही हमारा क्या है आज का टॉपिक है। देखिए मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होती है जब एक नंबर को क्या किया जाता है, बार बार ऐड किया जाता है। सेम नंबर को बार बार ऐड किया जाता है तो हमें क्या मिलता है, वहाँ से उसकी मल्टीप्लिकेशन मिलती है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे थ्री है, थ्री को मैं बार बार ऐड करूंगा, थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री, ये सेम नंबर, इसको मैं बार बार ऐड कर रहा हूँ, इतना ही कर देते हैं। कितने टाइम्स मैंने ऐड किया इसको, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स टाइम। तो जब इसको ऐड करोगे, थ्री प्लस थ्री सिक्स, नाइन ट्वेल्व फिफ्टीन और एटीन, आपको क्या मिलेगा, एटीन मिलेगा। अब इस थ्री को मैंने कितने टाइम ऐड किया, ये थ्री था, इसको मैंने कितने टाइम ऐड किया, इसको मैंने सिक्स टाइम ऐड किया, तो वो सिक्स मैं यहाँ पे लिख दूंगा, मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, एटीन आ जाएगा। यही जो आंसर है वही लिख दिया, थ्री को मैंने सिक्स टाइम लिख दिया। तो ये क्या था, इसका आंसर भी एटीन है और इसका आंसर भी यही है। ये जो थी इसकी, ये थी एडिशन, एडिशन के वजह से हमने इसका आंसर निकाला। ये हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिया। और ये आपके पास आ गया मल्टीप्लिकेशन का साइन, मल्टीप्लिकेशन का साइन आपके पास क्या आ जाता है, दिस। अब देखिए थ्री टाइम्स सिक्स टाइम्स जो थ्री होगा तो कितना जाएगा आपके पास, एटीन। अब इसका जो ये आंसर आया, इसका जो आंसर आता है इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट, इसको बोला जाता है प्रोडक्ट। अब जितने टाइम इसको हमने मल्टीप्लाई किया, इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेंड। और जिसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको बोला जाता है मल्टीप्लायर। क्या बोला जाए इसको, मल्टीप्लायर बोला जाएगा इसको, जिसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन, अब बच्चों ये मल्टीप्लिकेशन हम करते क्यों हैं, देखिए जो मल्टीप्लिकेशन होती है ये हमारी डेली लाइफ में हर जगह यूज होती है, ठीक है। इसको हम जहाँ भी जाओ, आप स्कूल में हो, मार्केट में हो, घर पे हो, इसको आप हर जगह यूज़ करते हो। एक छोटी सी मैं आपको एग्जांपल दूंगा, फॉर एग्जांपल आप मार्केट जा रहे हो, घर से आप क्या मार्केट जा रहे हो, आप पेंसिल ला रहे हो, ठीक है। एक पेंसिल की कीमत है मान लो पाँच रुपये, एक पेंसिल की कीमत है पाँच रुपये। आपको घर वालों ने बोला आपको क्या लानी है, दस पेंसिल लानी है। कितनी पेंसिल लानी है, दस पेंसिल लानी है। तो उन्होंने बताया कि आपको 10 पेंसिल लानी, तो कितने की आएंगी, तो आप क्या करोगे, एक की कीमत पाँच, 10 की कीमत होगी, 10 को आप पाँच के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो 50, तो कितने की आएंगी वो पेंसिल्स, वो 50 रुपीज़ की आ जाएंगे आपकी 10 पेंसिल। तो यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट क्या होगा, यूज़ होगा। इसी तरह और भी बहुत सारी जगहों पर आप क्या कर सकते हो, इस मल्टीप्लिकेशन को आप क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। मल्टीप्लिकेशन जो है ये हमारी डेली लाइफ में बहुत यूज़ है इसका। तो इसका कुछ बेसिक सा मैंने आपको थोड़ा बता दिया, अब मैं थोड़े क्वेश्चन आपको बताता हूँ कि मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ वन डिजिट नंबर, अगर वन डिजिट नंबर की मल्टीप्लिकेशन करनी होगी, टू मल्टीप्लाई बाई थ्री, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, टू मल्टीप्लाई बाई थ्री, टू थ्री टाइम्स कितना होता है, ये सिक्स होता है। इसको आप टेबल से भी काउंट कर सकते हो, थ्री वन ज़ा थ्री, थ्री टू ज़ा सिक्स, या जाके इसका आंसर। अगर टू डिजिट की मल्टीप्लिकेशन करनी होगी,
वंस टेंस, जैसे फोर थ्री, ये टू डिजिट नंबर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे वन डिजिट नंबर से, ठीक है। थ्री टू ज़ा सिक्स, टू फोर ज़ा एट। इसके लिए आपको टेबल भी याद करने पड़ेंगे, आपको जब ये मल्टीप्लिकेशन करनी होगी उसके लिए आपको टेबल भी याद करने पड़ेंगे, क्योंकि टेबल से क्या हो जाता है, ये थोड़ा मल्टीप्लाई करना आसान हो जाता है। ये जो मल्टीप्लिकेशन मैंने की ये थी विदाउट रीग्रुपिंग। अब एक रीग्रुपिंग वाली मैं आपको बताऊंगा, जैसे फोर नाइन मल्टीप्लाई बाई फाइव, ये थी आपकी विदाउट रीग्रुपिंग, और यह है विद रीग्रुपिंग वाली, विद रीग्रुपिंग। देखिए फाइव नाइन ज़ा 45 होता है, 45 का ये 5 हम यहाँ पे लिखेंगे और ये 4 यहाँ पे कैरी आ जाएगा। 5 फोर ज़ा 20, 20 में ये 4 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ये आपकी क्या हो जाएगी, ये एडिशन, ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, ठीक है, विद रीग्रुपिंग के साथ टू डिजिट। इसी तरह आप थ्री डिजिट्स की भी कर सकते हो, फोर डिजिट की भी कर सकते हो। अच्छा, ये जो मैंने मल्टीप्लिकेशन आपको बताई, ये जब मल्टीप्लाई करेंगे टू या थ्री डिजिट नंबर को वन डिजिट नंबर के साथ, आप जब टू डिजिट नंबर के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, उसका भी मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ। देखिए, ये मैं जनरली आपको सिखा रहा हूँ, आपकी बुक पे सभी क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज का ऑलमोस्ट इसी टाइप्स के क्वेश्चन, इसी पैटर्न पे क्वेश्चन है, इसीलिए ये सीखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये टू डिजिट नंबर है, इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा टू डिजिट नंबर के साथ, ठीक है, टू डिजिट नंबर को मैंने टू डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब कैसे करेंगे, पहले इस थ्री को हमने मल्टीप्लाई करना है इस थ्री के साथ, थ्री थ्री ज़ा नाइन, फिर इस थ्री को फोर के साथ करेंगे, थ्री फोर ज़ा ट्वेल्व, टू यहाँ पे, वन यहाँ पे, ठीक है। अब इस टू को करना है, इस टू को जब हम करेंगे तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, आपको याद रखना है यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इस वाली जगह को हम क्रॉस कर देंगे, तो टू थ्री ज़ा सिक्स टेंथ प्लेस, टू फोर ज़ा एट, तो एट हम यहाँ पे लिख देंगे। अब नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम हम इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। देखिए, ये नाइन है, नाइन को ऐसे ही रखेंगे एज इट इज़, टू में सिक्स को ऐड करेंगे तो एट आ जाएगा, वन में एट को ऐड करेंगे तो नाइन आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगी, टू डिजिट नंबर की। इसमें आपको स्टेप वाइज याद रखना है, फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, रिपीट कराता हूँ मैं, इस थ्री को मल्टीप्लाई कर देना थ्री के साथ और फिर कर देना किसके साथ, फोर के साथ। नेक्स्ट स्टेप में आपको ये पहली वाली जगह जो है ब्लैंक छोड़ देनी है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करना है, टू को थ्री के साथ करेंगे, फिर टू को क्या किसके साथ करेंगे, फोर के साथ, वो यहाँ पे। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, इनकी एडिशन करेंगे, ये टू डिजिट नंबर की, यही प्रोसेस आगे जो है चलता जाएगा थ्री डिजिट नंबर में भी, फोर डिजिट नंबर में भी, ठीक है। एक थ्री डिजिट नंबर के एग्जांपल ले लेते हैं, टू थ्री फोर, ये थ्री डिजिट नंबर है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई थ्री डिजिट के साथ ही करूँगा, ये मैं थ्री डिजिट के साथ ही कर रहा हूँ, इसको फोर फोर ज़ा सिक्सटीन। देखिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई है ना कि प्लस है, प्लस नहीं है, मल्टीप्लाई है, इसको ध्यान से देखना, फोर फोर ज़ा सिक्सटीन, सिक्सटीन का कैरी वन हम यहाँ पे लिखेंगे, इस फोर को पहले जो हमने मल्टीप्लाई करना है इन तीनों नंबर के साथ, फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व और वन थर्टीन कैरी वन, फोर टू ज़ा एट और वन कितना हो जाएगा यहाँ पे, नाइन। अब फिर से जैसे मैंने आपको सेकंड स्टेप में बताया था, इसको हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे, क्रॉस कर देंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, वन फोर ज़ा फोर, वन थ्री ज़ा थ्री, वन टू ज़ा टू। अब यहाँ तीन डिजिट नंबर है तो आप इसको तो क्रॉस करेंगे ही, इसको भी क्रॉस करेंगे, अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जितने डिजिट भरते जाएंगे उतने आपको यहाँ इस साइड के लिए क्या करना है, स्टार्ट, इस साइड से स्टार्ट करना है। अब थ्री को फोर के साथ करेंगे, थ्री फोर ज़ा ट्वेल्व, ट्वेल्व का टू, तो कैरी इसका क्या आ जाएगा, फिर से वन आ जाएगा, वन कैरी आ जाएगा, थ्री थ्री ज़ा नाइन, नाइन और वन टेन, ज़ीरो कैरी, फिर से वन आ जाएगा, थ्री टू ज़ा सिक्स और वन कितना होगा, ये सेवन होगा। अब फिर से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में इसकी एडिशन कर देंगे, ये सिक्स आ जाएगा यहाँ पे, फोर और थ्री कितना हो जाएगा, सेवन, नाइन और थ्री ट्वेल्व और टू फोर्टीन कैरी वन, टू और वन कितना होगा, थ्री होगा और ये सेवन, ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है।
तो मल्टीप्लिकेशन 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर इसी तरह करनी है। ये वाला जो क्वेश्चन था ये कौन सा था, ये रीग्रुपिंग वाला क्वेश्चन था, ठीक है। ग्रुपिंग और रीग्रुपिंग वाले क्वेश्चन को आपने ऐसे ही करना है। रीग्रुपिंग वाले क्वेश्चन में क्या कैरी रखते हैं, ठीक है, कैरी वाले को ही रीग्रुपिंग वाले क्वेश्चन बोला जाता है, ठीक है। तो इसी की बेस पे जो है आपकी बुक पे जो पहली एक्सरसाइज है वो भी ऐसे ही है, ठीक है। एक्सरसाइज दूसरी फिलअप्स दी हुई है, मल्टीप्लाई दिया हुआ है, सेकेंड एक्सरसाइज में ऐसे दिया हुआ है 2 × 7 = कितना होता है, ये 14, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये भी ऐसे करने हैं। ये एक्सरसाइज जो है आप खुद प्रैक्टिस करोगे। तो ये जनरल कंसेप्ट था मल्टीप्लिकेशन का, इसी की बेस पे आपको क्या करने हैं बाकी क्वेश्चंस जो आपके चैप्टर्स में जो एक्सरसाइज दी हुई हैं वो करनी है। थैंक यू।